नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। आठ लाख 85 हजार का गुटखा तंबाकू जब्त, जरीपटका पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कई घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया तेंदुआ, अस्पताल की छत पर तेंदुए को देखने उमड़ी थी भीड़। और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के खिलाफ प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर जरीपटका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8,85,000 का प्रतिबंधित गुटखा तंबाकू जब्त कर लिया, जो छिंदवाड़ा से नागपुर के विजय ट्रेडर्स द्वारा बुलाया गया था। नागपुर जरीपटका पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से लाए जा रहे थे गुटखा तंबाकू जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि टाटा वाहन से बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित गुटखा तंबाकू की तस्करी की जा रही है, जिस पर जरीपटका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले तो वाहन को पुलिस ने रोका, जिसकी छानबीन करने पर उसके भीतर 25 बोरे तंबाकू और गुटखे के पाए गए। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा से इसे नागपुर के विजय ट्रेडर्स द्वारा बुलाया गया था, जिसकी कुल कीमत बाजार में 8,85,000 की बताई जा रही है। इस कार्रवाई में वाहन चालक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसके मुख्य सूत्रधार पर जरीपटका पुलिस ने कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। दिनांक 24/10 को गोपनीय इन्फॉर्मेशन मिला है कि एक टाटा 710MH40CD2689 इस वाहन से प्रतिबंधित तंबाकू गुटखा आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन से हमारे डीबी के पथक PSI देवकते, जो डीबी के अधिकारी हैं, उन्होंने एक जगह पे थोड़ा वॉच रख के सदर वाहन को उनके ताबे में लिया। उसके बाद पुलिस स्टेशन में लाके पंच और इन सब के सामने वेरिफिकेशन किया। वो गाड़ी में 25 बोरे थे और उसमें प्रतिबंधित तंबाकू गुटखा ये था। उसके बाद फूड अन्न सुरक्षा अधिकारी अन्ना हमें इनसे कांटेक्ट करके हमने आगे की कार्रवाई आज किया है। ये वाहन में टोटल 25 बोरे है, 8,85,000 का प्रतिबंधित गुटखा तंबाकू ये मिला है और ये गाड़ी की कीमत 15 लाख रुपए और वो जो कैरेट थे वो कैरेट की कीमत 85,000 है। विजय ट्रेडर्स करके एक विजय जेठानी, इनका जो फर्म है विजय जेठानी, इन्होंने ये माल बुलाया था और छिंदवाड़ा से फारूक करके कोई इस समय उसने ये माल इनको दिया था। वर्धा जिले के सावंगी में अस्पताल क्षेत्र में तेंदुआ घुसने से खलबली मच गई। तेंदुए के अस्पताल परिसर में घुसने की खबर सुनते ही अस्पताल के मरीजों में दहशत का माहौल बना है। वहीं कई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग कर्मचारियों को तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली है। वर्धा के सावंगी परिसर में सुबह 9 बजे तेंदुआ देखने से परिसर में खलबली मच गई। तेंदुए को सबसे पहले अस्पताल की छत पर देखा गया और फिर एक बड़े पेड़ पर बैठा पाया गया। वन विभाग की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, तेंदुआ इलाके में नाली में घुस गया। उसे पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। पिछले कई घंटे से तेंदुए को पकड़ने का काम जारी था। अस्पताल की छत पर तेंदुआ देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। वहीं तेंदुए के अस्पताल परिसर में घूमने से उनमें दहशत का माहौल भी बना हुआ है। तेंदुआ नाली में घुस गया था, जिसे बाहर निकालने के लिए वनकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार तेंदुए को पकड़ लिया गया। स्वास्थ्य सेवक परीक्षा में लापरवाही बरतने के आरोप के चलते स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के इस्तीफे की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नागपुर के मेडिकल चौक परिसर में राज्य सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के खिलाफ प्रदर्शन कर उनके इस्तीफे की मांग की। जहां स्वास्थ्य सेवक की परीक्षा जो ली गई उसमें बड़ी गड़बड़ करने का आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लगाया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज विद्यार्थी के भविष्य के साथ प्रश्न उपस्थित किया है। आप सबको पता है जब शिक्षण अर्हता व्यक्ति जब परीक्षा ले गई तो पहली बार कोई कारण न देते हुए परीक्षा रद्द की गई। उसके बाद परीक्षा सितंबर में ली गई तो उस समय जो हॉल टिकट में जो सेंटर था कोई चाइना दिखाया गया, तो कहीं 500 किलोमीटर दूर अंतर का
सेंटर दिया गया। उसके बाद कल जो पेपर 10 बजे का होना था वो 10 बजे ना होते हुए 12 बजे 1 बजे और वहाँ पे जब पेपर आए गए तब पेपर पूरी तरह बिखरे हुए थे, उनके सब सील फूटे हुए थे। मुझे लगता है सरकार ये सब नशे में है और ये सरकार गंजेटी के समर्थन में आज आगे आ रही है, पर जहाँ विद्यार्थी का जो विचार है वो ये सरकार कर नहीं पा रही है। मुझे ये कहना है पत्रकार के माध्यम से कि आप हमसे पूछने से अच्छा जो समर्थन हो जो गंजेटी के खिलाफ कर रहे हैं उनके उनके समर्थन में कर रहे हैं आज उनने जाके प्रश्न पूछना चाहिए। और हमारा मांग है भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से कि राजेश टोपे ने अपना राजीनामा देना चाहिए। जब राजेश टोपे अपना राजीनामा देते हैं तो ये सब जवाबदारी उद्धव ठाकरे की है और उद्धव जी अपना पद का राजीनामा देंगे। बढ़ती महंगाई के विरोध में वंचित बहुजन महिला आघाड़ी ने सोमवार को आंदोलन किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। बढ़ती महंगाई के विरोध में सोमवार को वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही कहा कि सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है जिस कारण आम जनता परेशान है। वहीं महंगाई के बारे में नेताओं से पूछे तो वो राज्य और केंद्र सरकार के बारे में बोलते हैं, ऐसे में नेता ही यदि टालम टोल के जवाब दे तो आम जनता कहां जाए। इस दौरान उन्होंने दोनों सरकार पर आरोप प्रत्यारोप किया। ज्या पद्धति ने रोजच्या रोज पेट्रोलचे डिझेलचे आणि गॅसचे दरवाढ केलेली आहे त्याच्यामुळं सर्वसामान्य जनतेच्या रोजच्या आवश्यक ज्या वस्तू आहेत आणि ज्या गरजा आहेत त्या सर्वांचे भाव त्यांचे वाढलेले आहेत। सर्व महिलांचे त्यांचे घरगुती बजेट सर्व विस्कळीत पडलेले आहेत। एक तर कामधंदा नाही, रोजगार नाही, लोक खाली उपाशीपोटी असतात, पुन्हा महागाई एवढी वाढली आहे आणि रोजच्या रोज वाढीला वाढ आहे। तर लोकांनी जगावे कसे की मरावे हा सर्वात मोठा प्रश्न आला आहे। ह्या सरकारने यांच्या आर्थिक जे धोरण आहे ते चुकीचं धोरण यांनी लांबवलेलं आहे। त्यांच्या म्हणणं की फक्त लोकांची पिळवणूक करणे आणि जेवढे नेते लोक बनले आहेत आणि ह्या सरकारमध्ये जे बसलेले आहेत ते राज्य सरकार आहे आणि ते केंद्र सरकार आहे, हे दोन्ही सरकार एकसारखे नियोजन करून इथल्या देशातल्या आणि या महाराष्ट्रातल्या जनतेची पिळवणूक करत आहे। त्यांच्या विरोधात आज शिवसेना सांसद संजय राऊत हमेशा ही अपने बड़बोले अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कई मुद्दे उठाए। शिवसेना सांसद संजय राऊत ने एक वीडियो शेयर किया है जिस पर भाजपा द्वारा टिप्पणी की गई। इस पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये षड्यंत्र है, पैसों का खेल अब शुरू हुआ है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है जिसकी ईडी ने जांच करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रभाकर साइल के लिए सुरक्षा की भी बात कही। वहीं उन्होंने बॉलीवुड मामले में कहा कि नवाब मलिक ने इंटरवल के पहले की बात बताई है और आगे की स्टोरी वे बताएंगे, ऐसी बात उन्होंने कही। जरूर व्हायला पाहिजे, सीबीआई तुमच्या खिशात आहे का? हां, तिकडे सुद्धा कोणीतरी असं एखादा बसलेला आहे खोट्या केसेस करणारा जे एनसीबीच्या प्रकरणात झालंय, जरूर करा। काय त्याच्यामध्ये आतापर्यंत इतके व्हिडिओ समोर आले त्याची चौकशी नाही करा म्हटले तुम्ही सुद्धा अनेक व्हिडिओ समोर आणलेत, पण आता तुमच्या काळजाला असा समोरून जो वार झालेला आहे त्यानंतर तुम्ही म्हणता की सीबीआय चौकशी करा, करा। तुम्हीच म्हणता ना सीबीआय चौकशी करा, जरूर करा। अजून 10 व्हिडिओ मी देतोय तुम्हाला, याच्यामध्ये भाजपचे किती लोक बसले आहेत कोणाबरोबर काय या सगळ्या प्रकरणात हे तुम्हाला मी देणार आहे। हे जे नाही असं आहे की हे भारतीय जनता पक्षाला माहीत असेल तो कुठे आहे, काय आहे, परमवीर सिंग कुठे आहेत, हा जो ज्याचं नाव घेत आहे तो कुठे आहे, या महाराष्ट्राला बदनाम करण्याची एकही संधी या लोकांनी सोडली नाही। मी जो व्हिडिओ शेअर केला त्याच्यातली जी व्यक्ती बसली आहे एनसीबीच्या कार्यालयामध्ये त्याचं नाव सॅम डिसोजा असं म्हणतात, त्याचा संदर्भ हा नेहमी मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणात येतो। अनेक मोठे नेते राष्ट्रीय महाराष्ट्रातले काही बडे पोल अधिकारी प्रशासनातले यांचे पैसे तो परदेशात पाठवतो, मनी लॉन्ड्रिंग ज्याला म्हणता तुम्ही ईडीच्या भाषेमध्ये। आता माझं मागणी आहे तुम्ही करा चौकशी आणि तुम्ही मला धमक्या देऊ नका। बघतो चला एक ब्रेक का, मिळते एक छोटेसे ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश।
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पारशिवनी शहर में मुख्य चौक से अतिक्रमण हटाया गया, जिस वजह से शहर में सन्नाटा छाया है। सड़क किनारे लगी छोटी मोटी दुकानें हटाए जाने से दुकानदारों पर भूखमरी की नौबत आई है। पारशिवनी शहर के शिवाजी चौक से तहसील के बीच सड़क किनारे नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, जिस वजह से शहर में सन्नाटा पसरा था। शिवाजी चौक से तहसील के बीच पारशिवनी शहर का मुख्य बाजार है। इस सड़क किनारे एन दिवाली के सामने अतिक्रमण हटाए जाने से छोटे मोटे दुकानदारों पर भूखमरी की नौबत आई है। पहले ही कोरोना की मार झेल रहे दुकानदारों को प्रशासन की मार झेलनी पड़ेगी। इन दुकानदारों के सामने परिवार के पालन पोषण करने का सवाल खड़ा हुआ है। कार्रवाई के दौरान पारशिवनी के तहसीलदार प्रशांत सांगड़े, नगर पंचायत मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी, पारशिवनी के पुलिस निरीक्षक हृदय नारायण यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। अतिक्रमण हटाए जाने से दुकानदारों में काफी नाराजगी है। इथे काल जे अतिक्रमण झालेलं होतं पारशिवनीमध्ये, इथे सगळं म्हणजे बघत सरकार चालू आहे, जेणेकरून प्रभाग क्रमांक 12 आणि प्रभाग क्रमांक 17 जेव्हा पावसाळा जेव्हा चालू होते, ज्या लोकांना तिथे बाहेर निघण्यास आणि जाण्यास इतका प्रॉब्लेम राहते की लोकं तिथं जाऊ जाणं येणं करू शकत नाही, तरीसुद्धा ह्या लोकांचं दुर्लक्ष नगरपंचायत हे 3 वर्षापासून बसलेली आहे। मुरुमासाठी यांना म्हणजे मुरुमाचे टेंडर होतात, मुरुम येतात, मुरुम चालले जातात, पैसे निघून जातात, पण आता हे जो मलमा आहे हा मलमासाठी शिवे मॅडमला फोन केला असता त्यांनी फोन तर उचलले नाही, पण त्यांनी जे दुर्लक्ष आहे त्यांच्या 12 प्रभाग क्रमांक 17 आणि 12 त्यांनी लक्ष द्यावे, हे सगळं मी बघत चालू आहे पूर्ण नगरपंचायतमध्ये आणि त्वरित त्याच्यावर काहीतरी करायला पाहिजे। खादी और चरखे का वीडियो मेट्रो में नागरिकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत ये उपक्रम नागपुर महामेट्रो ने शुरू किया है। देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें महामेट्रो ने भी कार्यक्रम आयोजित किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत कार्यक्रम महामेट्रो समेत देश में आयोजित किए जा रहे हैं। मेट्रो ने इससे पहले देशभक्ति गीतों पर साइकिल फेरी उपक्रम भी किया था और अभी मेट्रो के ट्रेन में खादी और चरखा संबंधित वीडियो दिखाए जा रहे हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ये वीडियो बनाए हैं और मेट्रो के यात्री इसे काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। केवीआईसी अध्यक्ष वीके सक्सेना ने संबंधित जानकारी वीडियो में दी है। दूसरा वीडियो चरखा विषय पर है। अल्ट्रा रनर और अल्ट्रा साइकिलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल ने हेन्नूर बांबू ट्रेल अल्ट्रा मैराथन जीता है। बैंगलोर में आयोजित इस प्रतियोगिता में डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल ने जंगल ट्रेल में दौड़कर जीत हासिल की और ये नागपुर वासियों के लिए गर्व की बात है। अल्ट्रा रनर और अल्ट्रा साइकिलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल ने मार्च 2021 में दुबई आयरन मैन 70.3 खिताब जीता था। ये नागपुर के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात थी। लॉकडाउन अवधि के दौरान भी ड्राइंग रूम में 85 किलोमीटर में उनके नाम नॉनस्टॉप दौड़ने का रिकॉर्ड भी है। कुछ अलग करने के जुनून में डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल को स्वस्थ नहीं बैठने दिया। हाल ही में 9 अक्टूबर 2021 को 100 किलोमीटर में हेन्नूर बांबू ट्रेल अल्ट्रा मैराथन बैंगलोर में उन्होंने पदक जीता। ये हेन्नूर बांबू ट्रेल अल्ट्रा मैराथन बैंगलोर में आयोजित किया गया था। ये एक जंगल ट्रेल है, इसमें जंगल से भागना पड़ता है। ये बहुत कठिन रास्ता होता है। इस जंगल में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो समस्या प्राकृतिक रूप से या अन्य रूप से भी होती है। एक तरफ जंगली जानवरों का खौफ भी रहता है। इन सब कठिनाइयों को पार करके आखिरकार डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल ने अवार्ड जीता। राजेंद्र जायसवाल ने बताया कि हेन्नूर बांबू ट्रेल अल्ट्रा मैराथन में 3 पड़ाव थे। पहले पड़ाव में 100 किलोमीटर दौड़ना था, दूसरा पड़ाव 161 किलोमीटर और तीसरा पड़ाव 200 किलोमीटर का था। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। खराब मौसम के कारण जंगल के रास्ते कीचड़ भरे और फिसलन भरे थे, चल भी नहीं सकते थे। फिर भी उन्होंने इन कठिनाइयों भरी प्रतियोगिता में जीत हासिल की।
नागपुर महानगरपालिका के पार्षद व जल प्रदाय समिति के सभापति संदीप गवई के घर पर अज्ञात आरोपियों ने सेल लगाकर करीब 50 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ करने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि चोर तिजोरी सहित जेवरात ले भागे, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। गिट्टी खदान पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सेमिनरी हिल्स की मालाबार कॉलोनी में गवई का बंगला है। संदीप गवई का परिवार प्रॉपर्टी और गारमेंट का व्यवसाय करता है। पिछले कुछ दिनों से उनके घर में स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य चल रहा है, इसी वजह से मजदूरों का आना जाना लगा था। घर की देखभाल करने के लिए कुछ नौकर भी रखे थे। 17 अक्टूबर को गवई अपने परिवार के साथ खरीदारी करने के लिए मुंबई गए थे। मजदूर और नौकर घर पर थे। रात में रखवाली के लिए उनकी साली भी घर पर सोने आती थी। शनिवार को गवई नागपुर लौटे। रविवार को उन्होंने लकड़े की अलमारी खोली, उसके भीतर ही दीवार में तिजोरी लगाई गई थी। तिजोरी गायब देख गवई हक्के बक्के रह गए। उन्होंने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी कुछ जानकारी नहीं थी। तुरंत गवई ने पुलिस को जानकारी दी। गिट्टी खदान पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। इस संबंध में गवई ने बताया कि एक कमरे में अलमारी के भीतर ही गोदरेज के सेफ लगाई गई थी। ये तिजोरी ही करीब 90 किलो की थी। पूरे परिवार के गहने इसी तिजोरी में रखे जाते थे। परिवार के सभी सदस्य मुंबई गए थे, लेकिन नौकरानी, ड्राइवर और स्विमिंग पूल के काम के लिए आने वाले मजदूरों का ही आना जाना था। उनकी साली रात में घर में सोने आती थी, इसलिए संदेह है कि दिन के समय ही चोरी को अंजाम दिया गया था। पुलिस के साथ गवई का भी मानना है कि किसी करीबी व्यक्ति ने ही वारदात को अंजाम दिया है। जबकि इस पूरे मामले में पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है, वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ICC 2020 विश्व कप के भारत पाकिस्तान मुकाबले पर सट्टेबाजी में जुटे उपराजधानी के क्रिकेट सट्टेबाजों को पुलिस ने जबरदस्त झटका दिया है। पुलिस ने शहर में करीब 20 स्थानों पर सट्टेबाजों पर छापे मारकर करीब एक दर्जन बुकियों को बंदी बनाया है। पुलिस आयुक्त मितेश कुमार के निर्देश पर क्राइमब्रांच ने यह कार्रवाई की है। क्राइमब्रांच की कमान संभालते ही चिन्मय पंडित द्वारा कार्रवाई किए जाने से बुकियों में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार को आयोजित मुकाबले को लेकर देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में रोमांच छाया हुआ था। 2 साल बाद भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो रहा था। इसका लाभ उठाकर शहर के बुकी भी मालामाल होना चाहते थे। चिन्मय पंडित ने आज सुबह ही क्राइम ब्रांच की कमान संभाली। पुलिस आयुक्त ने उन्हें बुकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पंडित ने अलग अलग दल बनाकर शहर में 20 स्थानों पर छापे मारे। इस कार्रवाई की भनक लगते ही सट्टेबाज भूमिगत होने लगे। पुलिस ने उनके कार्यालय तथा घर की तलाशी ली। इस दौरान फिरोज शेख, पीयूष अग्रवाल, अशोक गुप्ता, राहुल अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, चिंटू चौरसिया, सोनू चाहंदे पुलिस के हाथ लग गए। क्रिकेट सट्टेबाजी के मामले दर्ज होने से उन्हें बंदी बनाकर क्राइम ब्रांच की अलग अलग यूनिट में ले जाया गया। क्राइम ब्रांच ने 20 से अधिक स्थानों पर दबिश दी, लेकिन उसे कोई भी परंपरागत बड़ा सट्टेबाज नहीं मिला। उनकी कार्रवाई से पहले ही बाहर पलायन किए जाने का पता चला। राहुल अग्रवाल को एक माह पहले ही क्राइम ब्रांच ने गणेशपेट स्थित घर में सट्टेबाजी करते हुए पकड़ा था। पीयूष अग्रवाल को 1 साल पहले लकड़गंज में पकड़ा गया था। पूर्व नागपुर में कई व्यापारी परिवार के युवक क्रिकेट सट्टेबाजी में लिप्त हैं। रिकॉर्ड में नाम नहीं होने और पुलिस की ढिलाई से उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। इस कार्रवाई का व्यापक असर होने की उम्मीद है। बंदी बनाए गए सट्टेबाजों से देर रात तक पूछताछ चलने की जानकारी सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।